वो सब गुरुदत्त सेवन में और बोल में लग गए। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल दो बाप एकता न्यारा आयाम। उस वक्त जब किसी हमसी का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह में जमा थे और जब भागी आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे तुत हवा का सुनाता होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा और आग के शोले की सी जुबाने उन्हें दिखाई थी और जुदा जुदा होकर हर एक पर चले और वो सब रुल कदस से भर गए और दूसरी जुबानें बोलने लगी जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। और आसमान के तले की हर एक कौम से खुदा तर्स यहूदी यरूशलम में थे जब ये आवाज सुनाई दी तो हजूम लग गया और लोग मुतज्जिब हुए क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था कि वो मेरी ही बोली बोल रहा है और सब हैरान होकर और ताजुब करके आपस में कहने लगे देखो ये जो बोलते हैं क्या सब जलीली नहीं बस क्योंकर हम इससे हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है पारथी और मादी और एलामी और मबी अलमी और यहूदिया और कपादुकिया और पैंतूस और आसिया और फरुजिया और पंफुलिया और मिसर और लुबिया ने किरवान के आसपास के इलाके के बशिंदे और मसाफरीन रोमा क्या यहूदी क्या नौमरी और करीती और अरबी हम अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के अजीब कामों का बयान सुनते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।